Hello friends, please subscribe our YouTube channel Technical Banda and don't forget to press the bell icon to know more about the technical world. Hello friends, welcome to our YouTube channel Technical Banda. Mera naam hai Anand and be ready to learn. Friends, aaj ki is video mein hum log loss.dir ke bare mein baat karenge. Kuch log loss.dir ke bare mein jante honge, kuch log nahi jante honge. Main aapko bata dun, ye aapke Android mobile ke memory card mein अपने आप जनरेटेड फोल्डर होता है loss.dir, जिसको टेक्निकल वर्ल्ड में loss.directory भी बोलते हैं। जब भी आप अपने SD कार्ड में जाते हैं या फाइल मैनेजर से SD कार्ड में को एक्सेस करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे एक फोल्डर होता है loss.dir के नाम से। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको डिलीट कर देने से आपके सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये बेकार फोल्डर होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। ये बात जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद से आपका कॉन्सेप्ट loss.dir के बारे में बिल्कुल से बदल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, loss.dir इज अ सिस्टम जनरेटेड फोल्डर। ये मेमोरी कार्ड खुद जनरेट कर लेता है। जैसे ही आप अपने मेमोरी कार्ड को फ़ोन में इंसर्ट करते हैं, जैसे जब एक देखेंगे आपको मैसेज शो करता है प्रिपेयरिंग योर SD कार्ड, उसी समय ये loss.dir फोल्डर जनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसके बारे में जो गलत गलत तथ्य फैले हुए हैं मार्केट में, जैसे कि अगर इसको डिलीट कर देंगे तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई डेटा हम लोग किसी भी मीडियम से रिसीव करते हैं, चाहे वो शेयर इट हो, ब्लूटूथ हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये loss.dir उसका एक बैकअप बना लेता है। इसका मतलब जैसे अगर हम सडनली मेमोरी कार्ड को रिमूव कर दें या फ़ोन हमारा डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाए, तो जितना डेटा अभी तक सिस्टम में कॉपी हमारे फ़ोन में कॉपी हो चुका है उसका एक बैकअप loss.dir में होता है। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख भी सकते हैं आप लोग। सपोज शेयर इट तो हम सब यूज़ करते होंगे, सबसे पॉपुलर शेयरिंग ऐप मैं आपको बता दूँ वो शेयर इट है। ठीक है, आप कोई भी डेटा शेयर इट से लो, ठीक है, और बीच में उसको इंटरप्ट कर दो या कैंसिल कर दो। ठीक है, होगा ये कि जब दोबारा आप डेटा उस यूजर से या उस सेंडर से दोबारा जब डेटा आप लोगे तो देखोगे कि आपका डेटा उसके आगे से ही ज़्यादा शुरू करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो सारे डेटा हमारे loss.dir फोल्डर में सेव हो जाते हैं। ब्लूटूथ के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है और शेयर इट के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं इस चीज़ की, जो लोग कहते हैं कि loss.dir डिलीट कर देने से हमारे डेटा डिलीट हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप उस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो जब दोबारा आप मेमोरी कार्ड लगाएंगे या फ़ोन को रिबूट करेंगे तो सिस्टम उसको ऑटो जनरेट कर देगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को loss.dir का कॉन्सेप्ट बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।